हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे मैं मस्त सुबह हो गई और मस्त धूप निकल के आई है और यहाँ पे मम्मी नादा कपड़े तो धो लिए तो सूख भी गए यहाँ पे थोड़े बहुत, तो धूप है ना इसलिए। तो हम रूही को पहले मिल लेते, बाद में किचन में जाएंगे। हेलो रूही। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मेहंदी कैसी आई? मस्त आई ना मेरी? देखो कैसे आई मेरी। अच्छी आई ना। नाश्ता करना है ना? देखो कितना अच्छा दो रहा है। सब बच्चा मम्मी की ऐसी है। मम्मी की भी अच्छी है यार। पटली पटली में नाश्ता करना है ना? हाँ, दही बकरी खाना है ना? तो यहाँ पे किंजल और आरोही दोनों क्या कर रही है माँ बेटी? बस अभी आरोही रूही को दोनों को भी फ्रेश किया। यस, देखो भी खाना पीना बाकी है, थोड़ा लेट हो गया है। अरे मेहंदी आरु, ये मेहंदी की जरे वाह, आरु मेहंदी पर मस्त है जो आरु। ये आरु आरु आज भी सेम कपड़ा पहना है, कल परसों पहना था ना। पर क्या करता है वो, आधा घंटे में तो निकाल देती, दूसरा पहन लेती है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही करती है सवेरे सवेरे, उसका मूड नहीं होता ना इसलिए। तुम्हारी मेहंदी कैसी आई? बहुत अच्छी। वाह, बहुत अच्छा आई मेहंदी तुम्हारी भी, दोनों की सेम ही है। मैंने तो कड़ा तो हाथ भिगो दिया था, पोता करना था ना इसलिए। हाँ, फिर भी अच्छी आई तुम्हारी भी। दोनों सामने रखो दोनों हाथ। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी भी अच्छी आई हो किंजल। जीजा तुमसे प्यार करते हैं मगर इसके, इसलिए तुम्हारा रंग भी अच्छा आया है। नहीं करते फिर भी आते अभी, क्योंकि इसमें कलर डालते हैं ना। अब मम्मी भी आ गई। मम्मी क्या कर रहे थे आप किचन में? क्या बात है, नाश्ता बन गया ना? ओके, तो चलिए मम्मी बोल रहे कि तुम्हारे दोनों के साथ में मैंने देखते हैं, तो मम्मी मम्मी को मैं फोन देती हूँ और साथ में मैंने देखते हैं। हमारी नाली की थोड़ी अच्छी है, डिजाइन अच्छी है मेरी, क्या फटाफट में थोड़ा ना। तुम्हारी भी अच्छी है, यहाँ पे दोनों की मेहंदी आ गई है। मैंने देखी, मैंने कल रात मेरे हाथ भिगो दिए थे दोनों, तो भी कितने से ज्यादा मेरे कलर आ गई है। मैं मरू न गए अभी। तो चलिए सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, बाद में काम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, और आज कुछ नया होने वाला है? नया तो आज कुछ आने वाला नहीं है। हाँ है, आज हम हमारा नेल लगाने वाले हैं। आज ही लगाना है? यस, आज ही लगाएंगे। ओके, हाँ। तो चलिए वो भी आप दिखा जाएंगे। हमारे स्कूल गए थे ना, तब हमारे सबसे पहले नेल, हाँ आरती उसका नाम है, थैंक यू आरती, उसने हमारे लिए नेल बनाकर हमको दिए थे। तो आज चिपकाने वाले हम दोनों। यस, मेरे आपको दिखाएगी रिंग लगाने वाले। यस, मैं रेड लगाने वाली हूँ, क्योंकि हम तब जब शर्ट होगी ना, हाँ तब ये ग्रीन पहनने वाली है और मैं ऑरेंज और रेड पहनने वाली हूँ, इसलिए हमारा मैचिंग मस्त कर दिया है नेल को, तो हम दिखाएंगे आगे आगे। तो चलिए पहले आपको फाइनली नाश्ता कर लेते हैं। तुमने नाश्ता कर लिया है मस्त, तो काम बाकी है और मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया वापस, और मैं मेरा काम शुरू कर देती हूँ। और किंजल अब तक नाश्ता कर रहे, क्योंकि बच्चे लोग दोनों को पहले खिलाए ना, इसलिए तो बस काम स्टार्ट कर देते ऑलरेडी। तो चलिए वापस मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने सब जगह से झाड़ू निकाल लिया है, और रूही को थोड़ी मोच आ गई पग में, इसलिए किंजल विशाल और रूही को लेकर गए हॉस्पिटल। और यहाँ पे मम्मी ने फ्रिज वापस थोड़ा बहुत क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वापस खराब हो गया था इसलिए। नहीं मम्मी, साफ करो पड़ा क्या कर। तो मम्मी कर रहे हैं, और सब जगह पे मैंने पोता लगाना बाकी है, और इसको मुझे फोन देना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रड़ रही थी, किंजल के साथ जाना था इसलिए। तो फोन थोड़ी देर देखेंगी, वो लोग आ जाएंगे तो फोन वापस ले लेंगे हम। तो चलिए, तो चलिए सब जगह पे पोता लगाना बाकी, वो लोग आएंगे फटाफट में पोता लगा लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे सब्जी लेकर आ गई, और भिंडी है, मर्चा है, टमाटर है, वॉश करके यहाँ पे मैंने रख दिया है। और आज मेनू में दाल फ्राई है, किंजल बोल रहे कि मैं कभी मैंने खाई नहीं तुम्हारे हाथ की, तो वो बोल रहे कि दाल फ्राई बनाओ तो मुझे खाना है, और तो मैंने बोला तो ओके तो बनाते है। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिए पकाने के लिए, तो मैंने अभी तो सच्चे क्योंकि अभी तो मैंने रखे है इसलिए। और हाँ, और उसके साथ आलू की सब्जी बना रही, क्योंकि बच्चे लोग आलू की सब्जी खाते हैं इसलिए। और हमारे घर पे जब दाल चावल होते हैं ना, तब आलू की सब्जी या दूधी दाल की और गामक की तीन सब्जी हमारी फिक्स ही है, तब हम वही सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे आलू की सब्जी इसलिए बन रही है, तो कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो चलो कंटिन्यू करती हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे लोग मस्त अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं सब लोग, उसको अच्छा लगता है यहाँ पे। उसकी रूही की फ्रेंड आई है, तीनों साथ में खेल रहे हैं,
मेरे एक पाव में लगी है फिर भी ओके रही है। अच्छा लगता है सबको अच्छी तरह रखा गया है। तो चलिए मैं मेरा खाना कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे आरू मैडम हमारे काम कर रहे, वासन चढ़ा रहे। आरू आरू हले हले किसको मम्मा ने चुकी हो? मम्मा ले जाए किसको जो ही की रोटी बोल रही है। डिंग लीजो की काम कर रही है। मम्मी मम्मी वाह डिंग वाह मारी आरू काम कर बेटा। हाँ और यहाँ पे मैंने घी रख दिया है दीदा रख बनाना इसलिए। और यहाँ पे किन्नी रोटी बनाना शुरू कर दिया है। बच्चे को बहुत भूख लगी है ना यस इसलिए जल्दी बनाना पड़ता है। यस यस और यहाँ पे अभी रोटी स्टार्ट किया है पिंडा अभी बाकी है बनाना। यहाँ पे मैंने दाल दी बॉइल करने के लिए सारे मिक्स में बॉइल से उसके बाद दाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाकर रेडी कर ली है दाल डालने के लिए। तो चल आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो हीरा बहन। हेलो क्या है आज मेनू में? क्या है मेनू में? दाल फ्राई तुम्हारी फेवरेट okay. और मेरी भी फेवरेट सबकी फेवरेट है। ये बनाने जा रही हुई है ना? यस जीरा राइस बना रही हूँ। ओके ओके। हेलो किंजल। हाय क्या कर रही हो? रोटी रोटी यस। ओके खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाओ भूख लगी है। यस भूख लगी है। यहाँ पे दाल फ्राई हो गए हैं उबल रही थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मम्मी रोटली बना रहे किनल बना रही थी जो वो चली गई बच्चों को खाना खिलाने के लिए इसलिए। तो रोटली भी फिनिश हो गई है तो दाल भी बन गई है। तो चलो भगवान का थाल रेडी कर लेते हैं अब। यहाँ पे मम्मी मेरे ओपिनियन के लिए मकई आटा है ना उसका आटा गूंद रहे है। और यहाँ पे मैंने भगवान का थाल रेडी कर दिया है दाल फ्राई है रोटी सब्जी छाछ है। तो चलो भगवान का थाल रेडी कर दिया है फर्स्ट बार खाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे लगे बहुत अच्छे लगी टेस्ट बहुत मस्त है। तो चलो भूख लगी सब लोग पड़ा पड़ी करे खा लेते हैं। और दोपहर की बात फिर कंटिन्यू करेंगे और रात में जाने वाले रेस्ट कराने के लिए तो उस भी आपको दिखाऊंगी। तो बजे दोपहर के 3 और मैं और किन्नर आ गए आईब्रो करा कर आ गए कि नहीं। यस दोपहर के 3 बजे है। दो बजे गए थे दोपहर के बहुत धूप में क्योंकि यार रुई अभी सोई है ना तो काम भी हमारा हो जाएगा उठने के बाद कुछ नहीं करने देते। यस यस किंजल ने तो फेशियल भी कराया है। फेशियल नहीं क्लीन अप किया। क्लीन अप कराया तो एकदम ग्लो ग्लो उसका चेहरा अभी एक दो दिन के बाद हो गया है। मैंने नहीं कराया क्लीन अप क्योंकि मेरी दवा सर हुई ना इसलिए तो मैं अब बेसन का आटा मलाई डालकर मैं ऐसे ही पैक लगा लूंगी तो चलेगा। अब क्या करना है अभी नेल लगाना। यस दोनों बच्चे सो रहे हैं ना तो किन्नर का मैं नेल लगा देती हूँ तो चले वो काम कर लेते हैं। और दो दिन तो आराम करना ही नहीं। नहीं दो दिन तो नहीं करते हैं भैया की अभी एंगेजमेंट आराम करते हैं। यस 3 दिन से रहेगा हमारा। कल से मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। नहीं मामा और मामी मासी ये सब लोग कल ही आ जाएंगे। तो चलो अभी वो दोनों सोए हैं तब तक हमारा काम निपटा देते हैं। वीराली बोलो हूँ बेबी नु करो सो देखो नख नख बने हुए हैं। ग्रीन साड़ी पहनने वाली हो ना तो ग्रीन कलर का ये बनवाया है। मस्त है अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। दूसरे हाथ में लगा रही हूँ मैं दो उंगली में बात कार्यकर्ता में सब। यस मेन कार्यकर्ता तो मेन राजकोट में बैठा है आराम कर रहा हूँ आई थिंक। हम तो सिर्फ लगा रहे हैं अभी कार्यकर्ता वहाँ पे है हमारे आरती मैडम बनावाना कारीगरी से लगाड़वाना कारीगरता में से थैंक यू आरती ने थैंक यू फर्स्ट बार मैंने किया है। मैं दूसरी बार करने वाली हूँ। तुम्हें तो दूसरी बार करो ना तो मैं शौकीन रहने बो। तो चलिए फिर मैं और मम्मी अभी तो संकेला कर रहे क्योंकि कल सब लोग मेहमान आने वाले हैं ना इसलिए। नहीं मम्मी जब मम्मी ने कबाट खोल दिया क्या कर रहे हैं मम्मी आप? तो ओके और यहाँ पे मम्मी ने सारा बिस्तर पोटला निकाल दिया। मम्मी क्या क्या है इसमें? तक सब लोग आएंगे तो निकालना ना पड़े इसलिए हम पहले से निकाल दिया है। ओके तो ढक्कर रख दिया इस तरह से पापा के रूम में सब कुछ संकेला वगैरह कुछ करना पड़ता है क्योंकि सभी के घर पे कोई ना कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा इधर उधर होता है तो व्यवस्थित रखते है। तो उस इस तरह हमारे घर पे है कल सब मेहमान आने वाले हैं इधर उधर पड़ा हुआ है तो वो व्यवस्थित रख रहे हैं मैं और मम्मी और बाकी सब लोग सो रहे हैं। और दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैं और मम्मी काम में है ना मामा।
चलिए, और बहुत ज्यादा गर्मी है नहीं मम्मी? बहुत गर्मी होती है। तो चलो चारू नील मेरे चिपकाने के लिए बाहर, क्योंकि किंजल बिजी है थोड़ी बहुत बच्चों के लिए, और दोनों जाग गए हैं तो मेरा काम नहीं होगा इसलिए। और यहाँ पे किंजल बैठ गई है, आरू को खाना खिला रही है, नहीं रोटी और सब्जी छाछ यहाँ पे नखरा करते करते खाते है। मामा भी रेडी हो गया मेरे साथ सिटी में आने के लिए, ना विष्णु चलते है। चलो यहाँ पे मम्मी भी बैठ गए, मम्मी फ्री हो गए ना, साढ़े पांच बज गए हैं इसलिए सब लोग फ्री हो गए हैं। तो चलिए हम सिटी में जाते हैं, विशाल के लिए चप्पल लेनी है, जो इनोवेस्टन के ऊपर चप्पल पहने थे ना, वो चप्पल लेने की बाकी रह गई थी, तो वो चप्पल लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो दिखाएंगे हम कौन सी लेने वाले हैं। तो चलो फाइनली आ गई मैं सबसे अपनी घर के, क्योंकि वो ही मेरी नेल्स लगाने वाली है। आपने पहले भी उसको देख लिया है, फिर भी आपको दिखा दे। हेलो परी, कैसे लगता है मेरा लोग? बहुत अच्छा, मैं रोज देखती हूँ आपके। क्या बात है, वही मेरा काम करने वाली है यहाँ पे। तो चलो फटाफट से काम कर लेते, उसके बाद विशाल के शॉपिंग जो बाकी है ना वो करने के लिए जाएंगे। तो चलिए फिर फाइनली हम आ गए गांधी बाग, और मेरे नेल्स तो हो गए, आपको दिखा देती हूँ मैं। और यहाँ पे आ गए हम, पायल और विशाल को साथ में शूटिंग करना है मेहंदी का, इसलिए जब फोटोग्राफी हो रही पायल की तो वो तो आपको दिखने के नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम आ गए, विशाल ऑन द वे, वो आ रहा है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते, थोड़ा बहुत जो पॉसिबल होगा आपको दिखाते जाऊंगी साथ में। मैं और विशाल आ गए, विशाल की चप्पल लेने बाकी थी ना कोल्हापुरी और इनोवेस्टन ऊपर पहनने के लिए, तो फाइनल हम शॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे मस्त मस्त चप्पल है, तो विशाल को देखते कौन सी अच्छी लगती, बहुत सारी यहाँ पे वेरायटी है। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी शूज है यहाँ पे, बहुत बड़ी है, मोजड़ी है मोजड़ी। तो चलिए देखते हैं। और विशाल घर पे पहुँच गए और थक गए ऑलरेडी, क्योंकि धूप थी ना इसलिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी और पापा दोनों खा रहे हैं, जय स्वामीनारायण। अभी मम्मी भी, मम्मी ने खाना खा लिया लगता है, खा लिया, क्या बात है। हाँ पायल थोड़ी फोटोग्राफी करी थी विशाल ने, मेहंदी मुकी पायल ले आजे, एटले तमारे तो चप्पल लेवा मस्त है ना। हाँ तमे जमी ले पधारो, जोई लो केवा लागे तमने, मां बाप रेडी छे कि नहीं रेडी मुकी नहीं ખુશ હોય તો અમારે કેવું પડે, પપ્પા ચપ્પલ મસ્ત લાવી છે, ક્યાં પ્રોગ્રામ હે અમારા, અમારો પ્રોગ્રામ ક્યાં હે અમારા, અભી તો બહાર જાના હે, યસ ક્યાં ખાના હે, યસ ડોસા ખાના હે। तो हमने डिसाइड किया है विशाल की एंगेजमेंट है, तुम दोनों बहनों को आज पार्टी देने वाला है, पार्टी देने वाला, यस। और यहाँ पे विशाल भी खड़ा है, हेलो विशु, विशाल बहुत अच्छा, विशाल के लिए, यस विशाल के लिए हम चप्पल लेकर आ गए, तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, यस बहुत अच्छे चप्पल है, चामड़ा के चप्पल है, प्योर चामड़ू है, भैया बोल रहे थे चामड़ा के चप्पल पहनते हैं वैसे अच्छी रहती है, पक्का तड़िया है, जलन नहीं होती तड़िए में, चामड़ा के चप्पल पहनते बहुत फायदा। तो मैंने बोला है यस, हमारे लेडीज भी चप्पल थी वहाँ पे, और यहाँ पे आरू भी पेड़ कर बैठ गई मस्त गडड़ी मस्त। और भैया बोल रहे थे कि लेडीज चप्पल भी मैं बनाने वाले हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे आप तो बन जाएगी। तो मैंने बोला कि मेरे लेने चामड़ा की चप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है इसलिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते, तो पहले तो रेडी हो जाए, पहले तो रेडी हो जाए। चलिए यहाँ सिंपल सी मैंने कुर्ती पहरी है, तो कैसी लगी कमेंट करना। न्यू कुर्ती मैंने पहरी है इसलिए, और वो लोग निकल गए, और मैं भी, मैं और आरोही साथ में जाने वाले हैं, और किंजल रूही और विशाल तीनों एक बाइक में गए, एक बाइक में लेकर जाने वाली, तो चलो निकलते हैं, वहाँ जाके सबको मिल लेंगे। बोलो और यहाँ पे हमारी प्लेट आ रही है सबकी, पेपर डोसा है और चीनी रोल है, और बारीक बारीक आ रहा है सबका, मेरा ही लास्ट में बचा है, क्या बात है, मेरा तक नहीं आया है। चलिए सब लोग खा लेते हैं, यहाँ पे सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। अच्छा कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। रोहित तन भाई ऊपर क्या दिखाई गया, अरुतन भाई मम्मा आयो ने, दूसरा ऑर्डर हमने किया है तो आ रहा है, सब लोग हम वेटिंग में है। हम सब लोग डोसा खाकर वापस घर पे आ गए, बहुत मजा है, बहुत आरे को तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, पूरा ग्लास रस का पी गई, मस्त है, मस्त मस्त मामा के तो केवल है, मस्त बेटी बेटी कहती थी मम्मा मस्त, आरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रस पी दो रस पी दो मामा के, क्यों रहे गो क्यों रहे गो के मस्त के मस्त मस्त मस्त।
मस्त एंजॉय किया। भाई बहन तीनों हम कई दिनों बाद आज साथ में गए थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत किसकी पार्टी थी आज? विशाल की एंगेजमेंट की मुझे पार्टी दी थी मुझे। थैंक यू, वेलकम। और चलिए वीडियो का एंड करते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कल मिलेंगे। बाय बाय। जय स्वामी नारायण।